नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है उनके लिए है जो प्रयोगशाला सहायक जो परीक्षा दी थी और उनमें सफल हो चुके हैं। उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये नोटिफिकेशन 18/9/2017 को जारी किया था राज्य जो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय चयन बोर्ड है उसके द्वारा। तो इसमें जो क्या क्या इसके लिए अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या इसमें करना है, वो तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है उसमें सिलेक्ट हुए हो तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, अन्यथा आप इस वीडियो से क्विट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है और जो कॉलेज जो शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, राज्य विधि विभाग है, उनके लिए प्रयोगशाला विभाग के लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए ये प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती हुई थी 2016 में, 13/11/2016 को ये आयोजित हुई थी। उसके बाद में इसका जो परिणाम है ये 14/8/2017 को घोषित किया गया था। उसके बाद में संशोधित परीक्षा परिणाम आया था इसका, लेकिन उसमें बाद में अस्थायी रूप से ये जो सफल घोषित अभ्यर्थी हैं उनकी जो पात्रता की जांच है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सफल जो घोषित अभ्यर्थी हैं उनका क्या क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। उनको जो आवेदन पत्र की 2 प्रतियाँ हैं वो उनको ले जानी है। देखिए जो सफल घोषित विद्यार्थी हैं उनको अपने जो रोल नंबर हैं उसके आगे जो दिनांक दी गई है उसके हिसाब से, देखिए ये एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, गुरु नानक भवन संस्थान राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने 20 दुकान के पास आदर्श नगर जयपुर पर अपनी जो पात्रता की जांच है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर कराना है और 2 प्रतियों में वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर आपको ले जाना है। तो ये जो यहाँ पर है, आप जो साइट पर जाओगे जब RSSMB की तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ऐसा का ऐसा हो। तो वहाँ पर आपने रोल नंबरों के सामने आप डेट देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। देखिए वो 27 थी, फिर 29 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3/10 को होगा, फिर उसके बाद में तो ये अपने रोल नंबरों के अकॉर्डिंग आपको जाना है वहाँ पर, ये 4/10 को होगा इन रोल नंबरों का, उसके बाद में 5/10 को जो ये रोल नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद में देखिए ये 6/10 को भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो रोल नंबरों के सामने जो डेट दी गई है उसमें आपको वहाँ पर उपस्थित होना है, ये 9/10 को है। तो ये तमाम जो सफल विद्यार्थी हैं ये अपना अपना जो बायोडाटा है वो चेक कर लें, ये TSP के लिए है ये डेट्स। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है, वो चीज़ें आप सुन लीजिए। देखिए पहले तो आपको जो सफल विद्यार्थी हैं उनको www.rsmssb.rajasthan.government.in पर आपने को वहाँ पर जाकर ये चीज़ें देखनी है। वहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रूटनी फॉर्म और उसको वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में वहाँ पर जो जो जारी विज्ञप्ति थी आपकी 22/9/2016 को, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कहीं आप उसकी एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अन्यथा आप वहाँ पर नहीं जाएं। अगर कर रहे हो तो ही वहाँ पर आपको उसको भली भांति वहाँ पर पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके बाद में जो स्क्रूटनी फॉर्म होगा उसकी आपको 2 प्रतियों में अलग अलग वहाँ पर आपको ले जानी होगी, फोटो प्रति वहाँ पर स्वीकार है वो बिल्कुल नहीं की जाएगी। जो विस्तृत जो आवेदन की जो प्रति है उसके साथ आपको 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सचिव, ये इसके नाम से बनाना होगा, भारतीय पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर के नाम से आपको ये करना होगा पे। उसके बाद में जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपका आयु प्रमाण पत्र है, श्रेणी है जैसे कोई SC ST या फिर OBC से रिलेटेड है, या फिर कोई विशेष श्रेणी है जैसे भूतपूर्व कोई सैनिक होगा, उत्कृष्ट कोई खिलाड़ी होगा, विशेष योग्यजन होगा, या फिर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित होगा। उसके बाद में चरित्र, उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, अगर उसका विवाह हुआ हुआ है या फिर वो नहीं अनमेरिड है तो वो भी आपको इस स्थिति में आपको जो सर्टिफिकेट है वो ले जाने होंगे। संतान संबंधी चीज़ें हैं या फिर आपके सेवारत होने के संबंधी कोई भी मूल निवास जो मूल प्रमाण पत्र है या दस्तावेज है, और उसके साथ साथ आपका जो ID है स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से वहाँ पर ले जाना होगा। कोई भी आप ID ले जा सकते हो वहाँ पर, आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर ID ले जा सकते हो, ये चीज़ें आपको वहाँ पर ले जानी होगी। उसके बाद में दोस्तों आवेदन के साथ साथ है प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें, वहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही ले जाना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको कहीं से अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको और भी चीज़ है वो देखने के लिए आप इस वेबसाइट पर जरूर जाएं, वहाँ से आप स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करोगे और आपके जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको भली भांति पढ़ कर, उनको उचित प्रकार से पढ़ने के बाद या फिर आपने किसी मित्र या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह के आधार पर उस फॉर्म को भरें, उसके बाद में वहां पर जाएं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए।
इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ सबकी नौकरी पक्की होगी। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।